नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं उत्तराखंड की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भराड़ी सैंड में मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि जनपद चमोली में लोगों द्वारा सड़क चौड़ीकरण को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण और पुलिस प्रशासन के बीच घटित घटना की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस प्रकरण में जो भी दोषी है उसका भी संज्ञान लिया जाएगा और यदि कोई निर्दोष है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन राजधानी और बजट सत्र, ये बजट सत्र कुछ नया लेकर आएगा उत्तराखंड के लिए और सामान्य जो व्यक्ति हैं उनको लेकर उनके लिए ये बजट एक बड़ा संदेश देने वाला बजट होगा। और मुझे लगता है कि आम आदमी उससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेगा। कल जो घटना घटी है उसमें मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। देखिए, कल ये घटना हुई है और उस पर हमने कहा कि बड़ी उस पर जांच होना चाहिए, क्यों कि जो मीडिया में जो देखने को मिला है और जो रात को जो मैंने मुझे खबर मिली तो मुझे लगा कि इस पर मजिस्ट्रेटी जांच होना चाहिए ताकि जो भी दोषी हैं, अगर कोई दोषी है तो उसको उसका भी संज्ञान लिया जाएगा और अगर कोई निर्दोष है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। इसलिए और वहीं गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा किया गया बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल पर आप नेता रविंद्र जुगरान ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने बताया है कि ये सरकार पूरी तरीके से संवेदनहीन हो गई है। जो आम जनता की मांगे तो पूरी नहीं कर सकती है लेकिन उन पर बल प्रयोग कर उनकी आवाज़ को दबाना चाहती है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दो ढाई महीने से वहाँ की स्थानीय जनता मातृशक्ति के नेतृत्व में नंदप्रयाग घाट मार्ग के सड़क मार्ग के वृद्धिकरण और उसके निर्माण की डिमांड कर रही। ये इतना निंदनीय और चिंताजनक और पीड़ादायक है कि पहले दिन में गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की पुलिस को ये हैंडल करना नहीं आया कि जो आंदोलनकारी वहां पर सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं उनको कैसे हैंडल कर। इतनी बर्बरता, नारियों की, महिलाओं की इतनी बड़ी भीड़ को लाठीचार्ज, लठ चलाने वाले ये नहीं देख रहे कि पैर में चलाना है, सिर पे चलाना है। मेरे को लगता है दर्जनों लोग वहां शायद संभवतः घायल हुए होंगे और ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका मतलब गवर्नमेंट को हैंडल करना नहीं आता। आप मांग मानिए ना मानिए, काम करिए ना करिए, लेकिन लोगों पर बर्बरता दिखाने और बर्बरता करने का आपको कोई अधिकार नहीं। लालकुआ क्षेत्र में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी बीच कल देर रात बस की चपेट में आकर युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। बस की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, आगे की कार्रवाई शुरू की। धर्मनगरी हरिद्वार में होने जा रहे महाकुंभ में सफाई व्यवस्था सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। हरिद्वार मेयर अनीता शर्मा ने मेला प्रशासन द्वारा नगर निगम को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए अपने निगम परिसर स्थित मेयर कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। इस दौरान मेयर अनीता शर्मा ने कहा है कि महाकुंभ के लिए समस्त अखाड़ों के साधु संतों के साथ साथ श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है। सिर्फ चकाचौंध रोशनियों से कुंभ मेला सफल नहीं होता है, उसके लिए सफाई व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। मेला प्रशासन निगम के साथ व्यवहार कर रहा है, सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं की जा रही है। मेलाधिकारी दीपक रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी कई बार कर्मचारियों के लिए अवगत कराया गया है लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हो पाया। खबर हल्द्वानी से है जहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला है। बुद्ध पार्क में कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल सहित गैस के दामों में हो रही बढ़ोतरी के विरोध में गैस सिलेंडर लेकर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। इस दौरान यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गजेंद्र गौनिया ने केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उससे आम जनता बेहद परेशान हो गई है। घरेलू गैस की कीमतें हों या फिर डीजल पेट्रोल की कीमत लगातार आसमान छू रही हैं, जिस वजह से आम आदमी के घर का बजट बिगड़ चुका है। केंद्र सरकार इस महंगाई को रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है। पौड़ी गढ़वाल में एक वाहन पिकअप खाई में गिर गया है जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है।
चमोली के गैरसैंण में आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा निंदा की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में राज्य सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हरिद्वार में भी आज बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री संजय पालीवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में राज्य सरकार का पुतला दहन कर रही है। सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज पर कांग्रेस भड़क गई है। ऋषिकेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला फूंका, अपना गुस्सा भी जाहिर किया है। मौके पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि मूलभूत सुविधाओं के लिए भाजपा सरकार में आवाज उठाना अब गुनाह हो गया है। आवाज उठाने वालों को दबाने की पूरी कोशिश भाजपा सरकार कर रही है, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।